સંઘ પ્રદેશ દમણમાં ઇતિહાસમાં બીજી વખત પેટ્રોલનો ભાવ 100 ને પાર કરી જતા વાહન ચાલકોને મોંઘવારીના માર વચ્ચે વધુ એક કમર તોડ ફટકો પડ્યો હતો। કેન્દ્ર સરકાર દ્વારા દિન પ્રતિદિન પેટ્રોલ અને ડીઝલના ભાવમાં કરવામાં આવી રહેલા વધારાને કારણે દમણમાં પેટ્રોલનો ભાવ 100 રૂપિયાથી વધુ થવા પામ્યો છે, જેને કારણે તમામ ક્ષેત્રોમાં ભાવ વધારાની શક્યતા ઊભી થઈ છે। आपने देखा होगा कि पेट्रोल का प्राइसेस और डीजल का प्राइसेस बढ़ गए। बहुत टाइम से 4 महीने से स्टैग्नेंट थे। पेट्रोल का रेट 93.03 था और डीजल का रेट 86.90 था। अभी नेचुरली आपने देखा होगा क्रूड ऑयल इंटरनेशनल मार्केट में अबाउट 107 रुपीज़ पर बैरल हो गया है। फिर भी हमारी जो सरकार है बाकी कंपेरेटिवली टू अदर स्टेट्स, क्योंकि सभी को मालूम है कि यूक्रेन और रशिया का वॉर चालू है और अमेरिका ने बाइडेन ने बहुत सारे उन पर लिमिटेशंस रख दिए गए। हमारे भी प्रेशर था कि हम रशिया से ऑयल नहीं खरीदें, लेकिन हमारे यशस्वी प्राइम मिनिस्टर मोदी जी ने कहा और हमारी जो फाइनेंस मिनिस्टर है उन्होंने भी क्लियर कट किया, हमें हमारे पीपल के लिए अगर सस्ता तेल मिलता है तो हम क्यों नहीं खरीदें। क्योंकि राजनीति होती है, ये होती है, लेकिन हमें हमारे पब्लिक की ध्यान देखना है। तो हमें बहुत सस्ते में रशिया से अभी कच्चा तेल आ रहा है और क्रूड ऑयल आ रहा है, तो उससे हमें बेनिफिट हो रही है।